अगले 5 साल के भीतर में खानपुर खाली त्रिपुरा का ही नहीं, उत्तर पूर्व के अंदर में ही एक बड़ा विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगा, यह मेरा विश्वास है। हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो खानपुरा में कॉलेज बना सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री हमको चाहिए। तो 24 घंटा बाद हम लोग कॉलेज का फाउंडेशन करने आएगा, तब यहाँ जरूर आऊंगा और प्रतिमा जी और खाना उना का भी व्यवस्था करेगा, एक साथ बैठ के खाना उना खाऊंगा। बढ़िया कॉलेज का यहाँ में निर्माण होगा और प्रतिमा जी हमको बाद में भी बुलाएगा, आऊंगा। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट लिया हूँ, तब जब नया कॉलेज बनेगा एक दिन आके बच्चा लोगों को जरूर मिल के जाऊंगा। आगामी 2047 সালে আমি স্বপ্ন দেখি আমার সোনামুড়াতে 2-3টা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল হইব, আমি স্বপ্ন দেখি আমার সোনামুড়াতে আইআইটি এনআইটি হইব, আমি এসব স্বপ্ন দেখি। हमने ये वादा करता हूँ कि बीजेपी का सरकार आएगा, पहला साल में ही हम त्रिपुरा का 50,000 युवक युवतियों को हम सरकारी नौकरी देगा, ये हम ऐलान करके काम आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम नया त्रिपुरा बनाएगा, त्रिपुरा में 2 से 6 मेडिकल कॉलेज बनना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनना पड़ेगा, त्रिपुरा में स्किल डेवलपमेंट में काम होना पड़ेगा, त्रिपुरा का संस्कृति, जनजातीय लोगों का संस्कृति, बंगाली लोगों का संस्कृति का विकास का रास्ता दिखाना पड़ेगा और सब मिल के हर घर में पीने का पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा, स्कूल में शिक्षा का व्यवस्था करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में दवाई और औषध का व्यवस्था करना पड़ेगा, ऐसा नया त्रिपुरा बीजेपी बनाना चाहते हैं। भाई और बहनों, आप लोग के लिए मौका है, हमको ऐसा सीएम चाहिए जो त्रिपुरा का 7.5 लाख बेकार युवा युवती को नौकरी का व्यवस्था कर सकता है, रात में हॉस्पिटल में दवाई रखने का व्यवस्था कर सकता है। हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो शिक्षक का व्यवस्था कर सकता है। আমি স্বপ্ন দেখি আমার সোনামুড়ার প্রত্যেকটা মানুষের রোজগার 2047 সাল আসতে আসতে 5-7 লাখ টাকা পরিবার পিছু রোজগার করে। আমি স্বপ্ন দেখি আমার সোনামুড়ার মানুষের নিজস্ব প্লেন থাকে, এমন কিছু স্বপ্ন আমি দেখি। তো সেগুলি অনেকে আমাকে বলবে যে আপনারা কিছু দিতে পারেন, এখন এমন স্বপ্ন দেখেন, আরে এমন স্বপ্ন দেখি বলে আজকে 5 কেজি করে চাল মাথা পিছু মার্চ পর্যন্ত 19 মাস ভারতের মতো রাষ্ট্র 80 কোটি মানুষে 5 কেজি করে চাল দেয়।